तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये चैप्टर है नाजिज़्म एंड द राइस ऑफ हिटलर। आइए सम इज़्म लगाते हैं किसी भी चीज़ के जहाँ पर ना विचारधारा हो। तो नाजी वैसे तो एक पार्टी थी, पर उसकी सोच कुछ इस तरह सी थी कि उसका नाम है ना वो उस विचारधारा को ही नाजिज़्म कहने लग गए। तो इस चैप्टर को नाइन्थ क्लास के अगर आप देखेंगे तो पहले तो एक स्टोरी है, वो स्टोरी में बता रहे हैं कि जब ये जंग हार गए तो वो उसका किस्सा बता रहे हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 ए लिटल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमथ वॉज लाइंग ऑन इन बेड व्हेन ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन्स। अब जब हार गए तो जब जो भी सिपाही थे, जो भी सैनिक थे नाजी पार्टी के, उनको तो हाथों पैरों की पड़ गई ना, क्योंकि भाई अगर जुल्म करेंगे तो जुल्म में मिलेगा। तो बच्चे ने सुना कि वो कैसे अपना जो है आत्महत्या करेंगे, उनके पेरेंट्स या क्या करेंगे, कैसा कैसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हाथ में आ जाएंगे उनके तो वो भी कोई भला तो नहीं करेंगे, क्योंकि नाजी पार्टी के जो सैनिक थे इन्होंने ज्यूस पर और जो अपने एनिमीज थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए। तो पहले तो सबसे फर्स्ट पार्ट तो इसका ना बर्थ ऑफ वियमर रिपब्लिक, इसके बारे में बताया गया। जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलॉन्गसाइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर अगेंस्ट द अलाइज। तो उस समय भी ये इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट ही लड़ा था, तो उसमें ये जंग हार गया। जंग हार गया तो क्या हुआ, द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एबडिक्शन ऑफ द एम्परर गेव अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटी। तो दोबारा पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना डेवलप होने लगी, तो धीरे धीरे क्या है, ए नेशनल असेंबली मेट एट वीएमआर। तो नेशनल असेंबली क्या होती है, सारे नेता जो वीएमआर में मिले तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर बच्चों समझते हो ना, फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है जैसे एक तो केंद्र में सरकार, जैसे इंडिया एक फेडरल है, दिल्ली में सरकार है ना, उसी तरह से जो है सेकंड लेवल है जैसे पंजाब में और बाकी स्टेट्स में है, तो टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको फेडरल स्ट्रक्चर है। ऐसा उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये रिपब्लिक बन गई। तो इस पर इस रिपब्लिक का ना लोगों ने इतने अच्छे से स्वागत नहीं किया। ये नक्शा है, ये पुरानी जर्मनी है जो है, काफ़ी विशाल एम्पायर था ये, आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये किसी टाइम पर। तो भाई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो क्यों, क्योंकि जब इन्होंने शांति के लिए साइन किया था ना ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, उसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी बेइज्जती हुई, इनको ये भरपाई करनी है, अपना इतना जो है दूसरों को देना है, ये सारा लिखा हुआ इसमें। तो 13% टेरिटरीज देने पड़ गई, 75% ऑफ इट्स आयरन देना पड़ गया, 26% कोल फ्रांस को देना पड़ गया। तो ये काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थी जो ट्रीटी थी, ट्रीटी क्या होता संधि। तो फिर उसको कॉम्पनसेशन भी देनी पड़ेगी, यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरी पिक्चर के ऊपर है, 6 बिलियन पाउंड उनको कॉम्पनसेशन देनी पड़ गई। तो अब क्या हुआ, उस इफेक्ट क्या हुआ उस वार का, डिवास्टेटिंग हुआ। ये देखो लिखा ना, द वार हैड ए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियली, क्योंकि जंग के हल कभी भी अच्छे परिणाम तो निकलते नहीं हैं, बहुत बेरोजगारी होगी, काम धंधा ठप पड़ गया। और वैसे तो सारी सोसाइटी यूरोप की हो गई, कमज़ोर हो गई, लेकिन जो सोल्जर्स हैं उनको थोड़ा सा सिविलियन से बेटर ट्रीट कर रहे थे। लिखा था मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। तो अभी क्या है कि लड़ाई के बाद ना ट्रेंच क्या होता है, ये ना एक मोर्चा होता है जैसे, जहाँ लड़ाई के मैदान के अंदर अब गोली ऐसे खड़े हुए तो गोली सीधा लग जाएगी, तो वो ना थोड़ा गड्ढा खोद लेते हैं, उसके अंदर बैठेंगे, सिर ऊपर उठाया और गोली चला दी, उसको ट्रेंच बोलते हैं। ट्रेंच लाइफ को जब बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई, वार को ग्लोरीफाई कर लेंगे तो वैसे ही लोगों की
सोच बनती चली गई, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध था ना उसके बीज बोए जा रहे थे। अब अगला है पॉइंट, मेरी पिक्चर के आप ऊपर देख रहे हो, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। रेडिकलाइजेशन क्या होता है? कट्टरवाद, कट्टरवाद, ठीक है। एक तो पहले नौकरियां नहीं हैं, ऊपर से पॉलिटिकल कट्टरवाद वहाँ पे शुरू हो गया। द बर्थ ऑफ आवर पब्लिक रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टासिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। तो रशिया में जैसा हो रहा था वैसे यहाँ पर भी एक जो है लीग बनी। अब ऐसे गतिविधियाँ चलती रहीं और जो है ना, मतलब इन सब का ये हुआ कि जो देखो इधर लिखा हुआ, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज ओनली हाइटन्ड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। जब बेरोज़गारी आती है ना तो जो कट्टरवाद है उसको और बढ़ावा मिल ही जाता है। तो इस तरह से जर्मन में जो गतिविधियां थी वो कुछ इस तरह से चलती गईं जिससे कि सेकंड वर्ल्ड वार की ओर वो धीरे धीरे उसके जो है बीज बोए जाने लगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन्ड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डवेस प्लान विच रीवर्क द टर्म्स ऑफ रिपार्टिएशन इन केस ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स। तो जर्मन्स में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ गया तो अमेरिका ने मदद भी की। देखो ये पिक्चर दिखाई हुई है, आप ये पिक्चर देखोगे ना जहाँ मैं अभी पिक्चर कर रहा हूँ, ये दिखाई है द होमलेस मैन क्यूइंग अप फॉर ए नाइट शेल्टर। नाइट शेल्टर, अभी रात में तो पता है यूरोप में कितनी ठंड पड़ती है, तो शेल्टर है उसके लिए कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं कि भाई हमें भी रात को सोना है यहाँ पे। तो अब ये देखो एक और पिक्चर दिखाई हुई है, मैं बड़ी करके दिखाता हूँ। ये कैसा है कि नाइट शेल्टर में उनको सोने की जगह नहीं, खड़े होने के लिए, यहाँ पे लिखा भी है, आप इधर देखोगे ये मेरी पिक्चर के बिल्कुल राइट हैंड साइड में, स्लीपिंग ऑन द लाइन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द अनएम्प्लॉयड कुड नॉट होप फॉर ईदर वेज और शेल्टर। ना तो दिहाड़ी मिल रही है ना कहीं शेल्टर रात को से ढकने के लिए। ऑन विंटर नाइट्स व्हेन दे वांटेड ए शेल्टर ओवर देयर हेड दे हैड टू पे टू स्लीप लाइक दिस। और इस तरह से सोने के लिए पैसे देने पड़ते थे, यानी कि भी अब सड़क पे तो ठंड में सो नहीं ना सकते, इस तरह से सोना तो भी उसके पैसे देने पड़े, ऐसे मंदे हालात हो गए थे। तो ऐसे जब गरीबी होती है ना तो कुछ पॉलिटिशियंस उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। अब वो जो पॉलिटिशियन था वो था हिटलर, हिटलर्स राइज टू पावर। अब जो हिटलर था भाई, इसने दिखाने शुरू कर दिए सपने कि हम देश में ये करा देंगे वो करा देंगे। तो क्या है कि इसने एक प्रोपोगेंडा शुरू किया। प्रोपोगेंडा क्या होता है, ये मेरी पिक्चर क्या पर देख रहे हो, नाजी प्रोपोगेंडा स्टेड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर। तो नाजी का जो प्रोपोगेंडा था ना, जो उनका मशहूरी थी बार बार कहना अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, बेटर फ्यूचर होगा बेटर फ्यूचर होगा, ऐसा प्रोपोगेंडा उन्होंने चला दिया। तो पर फिर भी क्या है कि नाजी पार्टी को सीटें फिर नहीं मिली, 1928 में तो 2.6% वोट्स ही मिली थी। लेकिन क्या है कि उसका कट्टरवाद और प्रोपेगेंडा मशीनरी ऐसी थी कि काम करती चली गई, करती चली गई, और जो है ना धीरे धीरे वो सत्ता पर काबज हो गया। हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन न्यूमबर्गर, क्योंकि इतना जो बोलता था इस तरह से कट्टरवाद के तरीके से जो बोलता था तो लोगों पे बड़ा प्रभाव पड़ता था इसका, क्योंकि गरीब जनता जो जब हो जाती है तो उसको सपने, ये देखो फोटो दिखाई है, इनका सिंबल स्वास्तिक होता था। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, अभी आप यहाँ पे देखोगे ये पिक्चर जहाँ ना मेरी पिक्चर के ऊपर देखो, हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स, जिस वो कदर जिस तरह से वो पैशन यानी भावना क्रिएट करता था और उसके जो शब्दावली थी ना वो लोगों को हिला के रख देती थी। ही प्रोमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, उसने वादा किया कि मैं ऐसा मजबूत देश बनाऊँगा, और जो इन नाइंसाफ़ी हुई है पिछले सालों में, कितने भी साल गिना दो चलो, जब वर्सालिस में ट्रीटी में समझौते में, तो उससे
देश को बाहर निकालूंगा और डिग्निटी, जो उसको सम्मान जिसका वो हकदार है, वो उसको दिलाऊंगा अपने देश को। ऐसे प्रॉमिस किया उसने। उसने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर बेरोज़गार को जो काम खोज रहा है उसको, हर ऐसे नौजवान को नौकरी दूंगा, और जो फॉरेन का इन्फ्लुएंस है वो भी घटाऊंगा। और देखो मेरी पिक्चर के ऊपर, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, षड्यंत्र, यानी कि जो दुष्प्रचार वगैरह, दुष् प्रोग्राम चल रहे थे, बुरे प्रोग्राम दुश्मनों के चल रहे हैं, उनको बंद करूँगा। ये देखिए भीड़ इकट्ठी हुई इस पिक्चर में, आप देख रहे हो ना, तो इतना प्रभाव हिटलर का हो गया, सपने उसने इस तरह से जो है दिखाए। ये भी एक और पिक्चर है। तो जो नाजी का एक प्रोपोगेंडा होता था, प्रोपोगेंडा जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल होते हैं, तो उनके भी होते थे भाई प्रोपोगेंडा वाले। ये मेरी पिक्चर के ऊपर देखो, नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर ऐसे मसीहा, वो कहते थे यही मसीहा है, यही सेवियर है, यही हमें बचाएगा, जो कि आया हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, जो लोगों को बुरे दिनों से निकाल लेगा। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ ए पीपल, वो कहते हुए ना वो नंबर वन बन जाएगा, ऐसा लोगों को सपना मिला। और फिर क्या है कि ना, जब ये काबिज हो गया तो इसने जो है, पहले तो डेमोक्रेसी जिसके सहारे ये ऊपर आया, उस डेमोक्रेसी का ही नाश किया। बना तो चांसलर था 1933 में, लेकिन अपने अपोनेंट्स को इस तरह से दबाता चला गया। बस आप देख लीजिए कि उसने अपने सारे ओपोनेंट्स को बहुत रथलेसली मतलब बड़ी बेरहमी से जो है ख़त्म किया। और देख मेरी पिक्चर के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। देन ही टर्न्ड हिज आर्क एनिमीज द कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट है ना, मोस्ट ऑफ होम वर हरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टेब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ये वैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भी इसी के समय में आए हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होता क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, नरक को नरक इसलिए कहते हैं कि वहाँ कोई जगह नहीं होती, बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत सारे लोग होते हैं, होंगे उनको स्पेस ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही किसी अगर स्कूल के पार्क में या ग्राउंड में हम 2 लाख 4 लाख 5 लाख आदमी कर देंगे तो ठंड से वैसे ही मर जाएंगे। तो उसको ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इसके राज में शुरू हुए, तो जिसको भी मारना होता था, जिस जो इनको अच्छे नहीं लगते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाता था और वैसे ही मर जाते थे वो लोग। तो इस तरह से इसका कट्टरवाद जो है बढ़ता चला गया, जो पहले ऐसा नहीं था, सत्ता में आने से पहले ये भी भले बोलता था, बोल के मैं सबके लिए करूँगा। तो सत्ता पे काबिज होने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना, या तो फौरन दूसरे लोगों पे अटैक करें। और इसने क्या है कि सत्ता पे काबिज होकर रखे ना, पहले तो अपने ही लोगों, जो ज्यूस थे इसकी कंट्री के, उन्हीं के ऊपर जो है इसने अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसने ऐसा दुष्प्रचार फैलाया कि लोगों के मन में ये आ गया कि ज्यूस हैं जो हमारी सारी समस्याओं की जड़ हैं। तो किताबों में भी ऐसे छपने लग गए, किताबें चेंज हो गई कि ज्यू का नाक ऐसे होता है, और ज्यू का ना ज्यू ज्यू ने ऐसे करा था। अब जब शुरू शुरू में हिटलर आया तो उसने क्या किया कि ज्यूस को पहले तो बोला भाई अपने ना यहाँ बाजू पता नहीं कहाँ पर उस बांध के रखो कि मैं एक जीव हूँ, ताकि हमें पहचान हो जाए। फिर उनका सिनेमा हॉल में जाना बंद, बस में भी पीछे खड़े होने मिलेगा। धीरे धीरे अत्याचार बढ़ते चले गए, जब रुके ही नहीं तो लोग भाई छोड़ के चले लगे, कुछ छुपाने लगे, पर सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जा के मारना शुरू कर दिए। अब कोई और बचा नहीं जिस पर अत्याचार दिखाते, तो फिर इसने इधर उधर हमला करना शुरू कर दिया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना। अब आके देखें पिक्चर के आगे क्या लिखा हुआ है, द नाजी वर्ल्ड व्यू। The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. उनका कुछ सोच ही ऐसी थी। इस सोच की कुछ तो वजह ना ऐसा था कि उन्हीं दिनों ना डार्विन की थ्योरी आई थी इंग्लिश में, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके हिसाब से क्या था कि जो सबसे फिट होगा वही जिंदा रहेगा। तो इनको ये था कि हमारे हैं, हम सबसे उत्तम हैं, तो हम ही फिट हैं, बाकी लोग फिट नहीं हैं। कुछ ऐसी ऐसी विचारधारा का प्रचार हुआ और लोगों के मन में बैठ भी गई।
द नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. जैसा हिटलर सोचता था वैसे ही फिर वो सारी फिलोसफी थी, क्योंकि उसके प्रचार से चल रहा था ना. अकॉर्डिंग टू दिस देर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल. लोग एक जैसे नहीं हैं, बट ओनली ए रेशियल हायरार्की है. उस रेस के हैं, इस रेस के हैं, ऐसे ही हैं. उनके व्यू से जो ब्लॉन्ड हैं, ब्लू आइड हैं, नॉर्डिक जर्मन हैं, आर्यंस हैं, ये हैं टॉप पे हैं. जो ज्यूस हैं, ज्यूस हैं वो सबसे घटिया लोग हैं. ये देखो पिक्चर के आप ऊपर देख सकते हो. वाइल ज्यूस वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, ऐसा उसने प्रचार कर दिया. दे केम टू बी रिकॉर्डेड एज एंटी रेस, वो हमारी रेस के खिलाफ हैं. अब हो गया अत्याचार शुरू. ऐसे ऐसे अत्याचार के अगर किसी क्रिश्चियन लड़की ने जो उसे शादी कर ली तो उसका सर मुंडवा दिया जाएगा, और किसी ने अच्छी नस्ल के 6 बच्चे पैदा करिए उनको इनाम दे दिया जाएगा. सब लिखा हुआ है अगर आप इसको पढ़ेंगे ना चैप्टर को. तो ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी हुई हैं जो कि विश्वास नहीं होती. ऐसा ऐसा उसने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, ये देखो फोटो के रेशियल स्टेट, इन नस्ल के आधार पर उसने जो है प्रचार करना शुरू कर दिया, और जो है नफ़रत के बीज बोने शुरू कर दिए. नफ़रत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई. और फिर उसको और भी चाहिए था. देखो यूटोपिया अंडर द शेडो ऑफ वार द नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल. उनको पता लगा यार हमने तो बहुत बंदे मार दिए. अब जिनोसाइड एंड वार बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. वार और जिनोसाइड. जिनोसाइड क्या होता है? एक जीन्स होते हैं ना हमारे अंदर, जो हमारे जैसे नीली आँख होगी तो उसके बच्चे की भी नीली आँख होगी, ऐसे जीन्स होते हैं. तो जीनोसाइड मतलब एक नस्ल कुशी करो, नस्ल को ही ख़त्म करने की कोशिश करो. तो वो भी वार का ही तरीका है. तो फिर इन्होंने किया. अब कहते हैं ना कि शेर की सवारी अगर करेगा आदमी तो उसका कोई चारा नहीं है, या तो वो करता ही चला जाएगा, जब उतरेगा तो उसको फिर मरना ही पड़ेगा, शेर ही खा जाएगा. तो जर्मन कुछ इस तरह के रास्ते पे चल पड़ा. जंगी हालात शुरू हो गई और उसने पोलैंड पे कब्जा किया. पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक लाइक आर्यंस, जो आर्यन के थे उनको उनकी माँ से छीन लेते थे. उनको रेस एक्सपर्ट्स रखे हुए थे. रेस एक्सपर्ट्स यानी कि वो नाक मुंह आंखें दे के रेस बताएं ये कौन सी नस्ल के हैं. अगर रेस टेस्ट पास किया तो उनको जर्मन फैमिलीज में उनको परवरिश करते थे, तो नहीं तो उनको क्या है कि अनाथालय में जो है भेज देते थे. तो जो घीटोस होते हैं ना, देखो विद सम ऑफ द लार्जेस्ट घीटोस क्या होता है, झोपड़पट्टी. और गैस चैम्बर बना दिए, लोगों को गैस में डाल के मारना शुरू कर दिया जीव को. और क्या है ना, द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूस. जो सरकार भी वो लगे ही मारने ज्यूस को, मिलिट्री भी मार रही है, सरकार भी मार रही है. देखो ये ऐसी गाड़ी थी, ऐसी गाड़ी में बिठा लेते थे ज्यूस को, चलो भाई ज्यूस को डेथ चैम्बर्स में ले जाते थे. ये देखो मेरी पिक्चर के ऊपर लिखा ना, ज्यूस टू द डेथ चैम्बर्स. तो ये आपकी 9th की CBSE की बुक में सारी हिस्ट्री लिखी हुई है. अब डेथ कैसे होती थी ये सारा समझाया हुआ है. देखो एक्स्ट्रा बॉयकॉट ऑफ ज्यू बिजनेस. सबसे पहले तो मेरी पिक्चर के ऊपर देखो, ज्यूस का जो बिजनेस है ना, पहले बॉयकॉट कर दिया, अभी ज्यूस की कोई चीज़ नहीं खरीदनी. फिर उनको सरकारी नौकरी से निकाल दिया. फिर फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केशन, उनको अब मकान ज़बरदस्ती बेचो, उनकी प्रॉपर्टियाँ ज़बरदस्ती जो है खरीदने लग गए. एक तरह से उनको बेघर ही कर दिया. कई तो जाके, आपने सुना होगा एक ना एनी फ्रैंक थी लड़की 13 साल की, तो वो डायरी लिखने लग गई अपनी, वो कहीं जाके छुप गए हॉलैंड में. तो वो डायरी है, वर्ल्ड की बेस्ट बुक है, बेस्ट सेलर है, कभी आप पढ़ सकते हो. वो भी इन्हीं हालात में थी जो है परी बड़ी, तो उसकी डायरी, वो तो खुद तो मर गई बेचारी. तो बहुत तकलीफ़ें उठाई लोगों ने. ये देखो गेटोआइजेशन ऑफ 1942-40. गेटोआइजेशन यानी कि ऐसे झोपड़पट्टी में लोगों को इकट्ठे करवा देना, अभी तुम तो जीव हो भाई, चलो यहाँ पे. उनमें से कुछ तो देखो ना, हंगर, स्टारवेशन, डिसीज, डिप्रिवेशन और पुअर हाइजीन, ऐसे फिर बीमारियाँ फैल जाती थी, लोग मरने भी लग गए. तो उसके बाद जब जंग छिड़ी ना, अच्छा उसके बाद ये देखो चप्पल्स, देखो ये चप्पल्स, ये फ़ोटो आप देख रहे हो ना, जहाँ पर मेरी पिक्चर है, मेरी आपकी तस्वीर देख रहे हो ना, उसके
राइट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेशन जब गैस चैम्बर में कितनी चप्पलों के ढेर लगे हुए, इनको मारते थे। और अब तस्वीर के ऊपर देखोगे एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, उसकी फ़ोटो दिखाई हुई है, ऐसा होता था। मतलब उसके अंदर बहुत सारी पब्लिक और एक तार लगा के रखी हुई है एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप पिक्चर के ऊपर है। तो इस तरह से जीव उसको मारना शुरू कर दिया उन्होंने। अब अगला है यूथ इन नाजी जर्मनी, भी नौजवानों के मन में भी ऐसा जहर भर दिया। और ये क्लासरूम के बारे में देखो, पिक्चर के राइट हैंड से क्लासरूम सीन डिपिक्टिंग ए लेसन। लेसन कैसा बनाया, ये दिखाने के लिए कि जो छे होता है ना वो कैसा होता है। द ज्यूइश नोस इज बेंट, ये देखो द ज्यूइश नोस इज बेंट एट इट्स पॉइंट, इट लुक्स लाइक नंबर सिक्स। तो छे कैसा होता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जीव के नाक की तरह होता है। ऐसा जहर जब बच्चों के मन में भरेंगे तो कैसे बच्चे, वो यूथ क्या बनेगा। तो अभी एक और स्टोरी है, एक लड़की लड़की आई अपने पापा से पूछने लगी, पापा क्या हम सचमुच जो है अच्छे नहीं हैं। और 3 साल की लड़की, छोटी बच्ची अगर पूछेगी तो क्या भगवान का रूप। ये देखो, ज्यूस टीचर एंड ज्यूस पीपल एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंडर द जीयर्स ऑफ क्लासमेट्स। अब जो क्लासमेट्स हैं ना वो भी चिढ़ाने लग गए ज्यूस टीचर्स को, कुछ भी ऐसे चुटकुले बनाओ, उनको नाम लेकर बुलाओ, ए ऐसे करके हंसो, जीयर समझते हो ना, ओ ज्यूस ऐसे करके, तो उनका तो जीना ही मुश्किल हो गया। तो समाज ऐसे जब बट गया, अत्याचार बहुत बढ़ गया। अब ये देखो, उसको ऐसे बच्चे पसंद थे, ये मेरी पिक्चर के ऊपर है ना, आप देखोगे या ऐसे देख लो मेरी पिक्चर के आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, हिटलर खड़े हैं 2-3 बच्चों के साथ, कि ये नस्ल के बच्चे अच्छे हैं। जर्मन इस तरफ दिखाया हुआ है, स्वास्तिक बनाया, जर्मन ब्लड का एक जो है इन्फेंट यानी छोटा बच्चा दिखाया हुआ है, उसको ऐसे नस्ल पसंद थी उसको। तो वो ऐसी औरत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जो किसी जीव से शादी कर ले। अब देखो द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा होता कैसे था। द नाज़ी रजीम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया को बड़े केयर से यूज़ करते थे, ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, बड़े इफेक्टिवली यूज़ करते थे। टर्म्स दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, और मतलब पब्लिक को धोखा देते थे वो, बड़े ऐसे घृणापूर्ण वो फैलाते थे, अपना लिटरेचर बनाते थे ताकि लोगों के मन में नफरत पैदा हो जाए ज्यूस के प्रति। एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने का जो ऐसा प्रोपोगेंडा उन्होंने शुरू किया, बड़ा जहर फैलाया। और कहते हैं कर भला सो हो भला, लेकिन अगर कर बुरा करेंगे तो बुरा होगा ना। तो फिर वो आप देखोगे जर्मन जब हारा तो क्या हुआ था। ये देखो एक जीव की फ़ोटो दिखाई हुई है कि वो कैसे पैसों के पीछे हैं, वो पैसा जो है मतलब ब्याज पे देते हैं और पैसों के ऊपर ढेरी के ऊपर बैठ जाते हैं, इस तरह से नफरत फैलाता रहा जर्मन में। तो पहले तो हिटलर की ऐसी फ़ोटोएं थी सत्ता में आने से पहले कि हम जो है वर्कर्स के साथ हैं, लेकिन बहुत अत्याचार हुआ, क्राइम अगेंस्ट खास करके ज्यूस के अगेंस्ट बहुत अत्याचार हुआ। फिर ये हॉलोकॉस्ट का पता कैसे लगा, देखो ये ड्रम है ना, इसमें देखो किसने छुपा के रखा था कि सारी कहानी लिखे। देखो ये मेरी पिक्चर के ऊपर इनहेबिटेंट्स ऑफ द वारसा घीटो होते झोंपड़ी कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड प्लेस देम इन मिल्क केन्स में उन्होंने उसको रख दिया ताकि कभी अगर मौका लगेगा तो दूसरी दुनिया को पता लगेगा ना क्या क्या अत्याचार हुआ, और वो मिले वो ताकि दुनिया को पता लगा कैसे कैसे अत्याचार करते थे। और उस समय को होलोकास्ट यानी कि येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकास्ट, मतलब वो समय जहाँ जबकि अत्याचार का बस शिखर हो गया। तो उसके फिर दास्तानें निकलने लगी क्योंकि मरने से पहले वो कहीं ना कहीं पर्ची में डाल के, देखो मिल्क कैन्स में आपको दिखाया ना, इसमें पर्चियाँ डाल के चले गए वो मरने वाले, ये देखो मिल्क कैन में से जहाँ से मिली हैं वो पर्ची।
अब ये क्या, डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी। डेनमार्क के लोग अच्छे थे, उन्होंने सीक्रेटली अपने जो ज्यूज थे उनको जर्मन से बचाने की कोशिश की। हर एक लोग बुरे नहीं होते। अब जो एनी फ्रैंक की स्टोरी है उसमें भी उनको मदद करने वाले क्रिश्चियन ही थे, क्योंकि हर लोग हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जहरीला। अब जैसे प्रोपेगेंडा फैलाया गया तो जिसके दिमाग में वो प्रदूषण चला गया वो नाजीज़म से प्रभावित होता गया। तो ये थी स्टोरी नाजीज़म की, ठीक है। तो हिटलर आ गया, तो उसके आगे जो कहानी होगी सेकंड वर्ल्ड वार की वो उस चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। और वैसे आपको पता ही है कि हिटलर ने जंग छेड़ दी। जब जंग छेड़ी तो लोग झुकते चले गए, पोलैंड को हराया पहले, और फिर उसको ये था कि सब झुकते ही चले जाएंगे। फ्रांस भी कब्जे में ले लिया, जब फ्रांस भी कब्जे में ले लिया उसको लगा कि इंग्लैंड वगैरह तो झुक जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने जंग एक तो रशिया में वाले हिस्से में छेड़ दी, एक यहाँ पे इंग्लैंड से और उधर से अमेरिका से भी, तो तीन तरफ से जंग हो गई। और फिर उसको ये नहीं पता था कि रशिया में तो इतनी सर्दी पड़ती है, और सर्दियों में जब आगे चलता रहा, और सर्दियों के लिए रूसी व्यक्ति रशियन से एडजस्टेड हैं उनका शरीर, तो वहाँ से जब उन्होंने हल्ला बोला और किस तरह से बोला वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर और ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो बच्चों, अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।